अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमार नेक्स्ट टेक यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम जिस फ़ोन के बारे में बात करेंगे वो है वीवो का X80 5G का। इसमें 5G मौजूद है और ये अभी पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ, कुछ ही दिनों में पाकिस्तान में ये लॉन्च हो जाएगा। तो इसकी स्पेसिफ़िकेशन के बारे में बात करते हैं। इसकी स्पेसिफ़िकेशन काफ़ी X70 से मिलती जुलती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा ये YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके बाद अगर आपने कमेंट में जो बात पूछनी हो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसमें एंड्रॉयड वर्जन का। तो इसमें एंड्रॉयड वर्जन जो है वो एंड्रॉयड 12 होगा। उसके बाद इसमें इसका जो वेट है 205 ग्राम के करीब, और इसमें जो सिम सपोर्टेड होगी वो डुअल सिम सपोर्टेड है और डुअल स्टैंड बाय होगी, और इसमें नैनो सिम लगेगी। इसमें दो कलर आ रहे हैं, एक इसका ब्लैक कलर है और एक इसका स्काई ब्लू कलर है। उसके बाद इसमें 5G है, 5G सपोर्टेड है ये फ़ोन। उसके बाद बात करते हैं इसमें प्रोसेसर की। तो इसमें जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगे हुए हैं, इसमें 8 प्रोसेसर हैं तकरीबन। एक प्रोसेसर जो लगा हुआ है वो इसमें है 3.5 गीगाहर्ट्ज़ का, और 3 प्रोसेसर जो लगे हुए हैं 2.6 गीगाहर्ट्ज़ के, और उसके अलावा जो 4 प्रोसेसर इसमें लगे हुए हैं 2.0 के। उसके बाद इसकी चिपसेट की बात करते हैं। तो इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 4 नैनोमीटर का इसमें चिपसेट लगा हुआ है। और इसके डिस्प्ले की बात करते हैं, तो डिस्प्ले में इसका सुपर एमोलेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन इसमें लगी हुई है। साइज़ की बात करें तो साइज़ इसका जो है 6.7 इंचेस, और इसकी रेजोल्यूशन की बात करें तो इसमें 1080 से लेकर 2400 पिक्सल तक इसकी जो रेजोल्यूशन है, आप इसको फुल HD भी कह सकते हैं। उसके बाद इसका जो रिफ़्रेश रेट है 120 हर्ट्ज़ रिफ़्रेश रेट इसमें है। इसमें वर्जन आ रहे हैं जो तकरीबन इसमें दो वर्जन आते हैं, एक 8GB वाला और एक 12GB वाला। और इसमें जो मेमोरी है इसमें 128, 256 और 512GB तक। कार्ड की इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसमें जो कैमरा सेटअप है, कैमरा सेटअप इसमें ट्रिपल कैमरा है। एक जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का, और जो वाइड कैमरा है और उसमें जो है वाइड, इसमें जो मेन कैमरा है ये वाइड कैमरा का भी काम करेगा। उसके बाद जो इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मौजूद है। उसके बाद बात करते हैं इसके सेकंड कैमरा की, तो वो है 12 मेगापिक्सल का और उसको टेलीफोटो लेंस है। उसके बाद उसमें 2x ऑप्टिकल जूम मौजूद है। और जो तीसरे कैमरे की बात करें तो वो भी 12 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा वाइड कैमरा। और उसके बाद इसमें जो ये कैमरा सेंसर लगाए गए हैं ये ज़ायस ऑप्टिक के लगाए गए हैं। और इसमें जो मेन फीचर होगा इन कैमरों का, उसमें आपको मिलेगी सिनेमैटिक मोड, जो कि रिसेंटली आईफोन 13 में आपको मिला था। वही सेम आपको सिनेमैटिक मोड मिलेगा, जिसको वीवो ने अपना सिनेमैटिक स्टाइल बोके का नाम दिया है। उसके बाद फ्रंट कैमरा की बात करते हैं, तो फ्रंट कैमरा में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, और इसमें आपको वाइड फ़ोटो का भी फीचर मिलेगा, और आप इससे 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जो बैक कैमरा है मेन, आप उससे भी 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसमें जी जो सेंसर है, इसमें जो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर है अंडर डिस्प्ले मिलेगा। उसके बाद इसका जो है डुअल स्पीकर है, आपको स्टीरियो साउंड मिलेगा, दोनों स्पीकर से आपको एक बेहतर और अच्छी क्वालिटी का साउंड मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो इसमें जो बैटरी लगाई गई है वो है इसकी 4500 की, और इन्होंने जो साथ चार्जर दिया है और चार्जर देना है सॉरी, वो इसमें 80 वॉट का चार्जर है जो इन्होंने एडवर्टाइज़ किया है। और आपको 11 मिनट के अंदर ये चार्ज 0 से लेकर 100 तक फुल कर देगा। तो इन फीचर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? आखिर में मैं आपको इसकी प्राइस बताता चलूं कि इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो क्या होगी। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो तकरीबन 1,10,000 के करीब होगी, मे बी इससे कम या ज़्यादा हो सकती है। लेकिन आपने ये बताना है कि ये जो इनका अपना प्रोसेसर लगाया है वीवो का,
वीवो ने अपना एक चिपसेट वीवो वी वन प्लस इसमें लगाया है, और एक इसमें मीडिया टैक का डायमेंसिटी 9004 नैनोमीटर का चिपसेट इसमें लगाया गया है। तो आपका क्या ख्याल है कि आपके ख्याल के मुताबिक ये फ़ोन कैसा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।